जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावातों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सिपुली में बालक सूर्य की किरणें उतरती हैं तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उसकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर माथा टेकते हैं और एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्यों से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपने हजारों पीढ़ी की अजिया सास ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके दौरे में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक सामान्य स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेगी, उनमें मैत्रेयी दिखेगी, उनमें सीता दिखेगी, उनमें अनुसुईया दिखेगी, सावित्री दिखेगी, उनमें पद्मावती दिखेगी, उनमें लक्ष्मीबाई दिखेगी, उनमें भारत माता दिखेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके आंचल में बंध कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्षों का सफर तय कर लेगी। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यही करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है।